हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अनदर फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन। बट बिफोर वी बिगिन, देयर वाज अ डाउट जो कि एक स्टूडेंट ने पूछा था, जिनका नाम है हिमांशु मिश्रा। सो उनका डाउट ये था दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स एंड प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। सो इफ यू रिमेम्बर, वी हैव yesterday discussed the extension of Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana, and in that we have discussed that the rate of interest under this Yojana are in line with the senior citizens saving scheme. Alright, so what is the difference between SCSS and PMVVY? So guys, for eligibility under SCSS, any individual of the age of 60 years and above are eligible, and any individual of the age 60 and above is the eligibility under PMVVY. But there is a difference कि जो SCSS होता है उसमें कोई भी इंडिविजुअल हु इज रिटायर्ड विद VRS बिटवीन द एज ऑफ 55 टू 60 इज ऑल्सो एलिजिबल अंडर SCSS, बट इन PMVVY इट इज नॉट एलिजिबल। ओके, एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट अंडर SCSS इज ₹1000, वाइल मिनिमम इन्वेस्टमेंट अंडर PMVVY इट इज ₹1,50,000। देर इज नो लोन फैसिलिटी अंडर SCSS, वाइल अंडर PMVVY द बेनिफिशियरी कैन गेट 75% of the purchase price as loan after 3 years of the starting of the Yojana. Alright, and the modes of payment are only quarterly in SCSS, while in Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana it is monthly or quarterly or half yearly or yearly. किसी भी mode of payment का इस्तेमाल करते हुए जो individual है वो pay कर सकता है। Alright, so this is the basic difference between SCSS and Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana. आई होप आप सभी का डाउट क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर वन। सो गाइस, फॉर क्वेश्चन नंबर वन एंड टू सम इन्फॉर्मेशन इज गिवन, सो लेट अस फर्स्ट रीड आउट द इन्फॉर्मेशन। INS कलिंग इज अ प्रीमियर नेवल एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड ऑन द विशाखापट्टनम भीमुनिपट्टनम बीच रोड अंडर द ईस्टर्न नेवल कमांड। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग, स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग एडवांस्ड मिसाइल्स टू शिप्स ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट। Okay, and recently two new steps have been taken at the INS Kalinga. Number one is the foundation stone for a missile park Agniprastha was laid, and 2 megawatt solar photovoltaic plant was also commissioned. Alright, so ये दो नए steps लिए गए हैं at the INS Kalinga. एक तो foundation stone रखा गया है for a missile park जिसका नाम है Agniprastha, इसके अलावा 2 megawatt का solar photovoltaic plant भी लगाया गया है। Alright, and now question number one. What will be the main attraction in the missile park Agniprastha whose foundation stone was laid at INS Kalinga? But guys, इससे पहले कि हम डिस्कस करें तो मैं आपको बता देता हूं that Eastern Naval Command जो है उसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। इसके अलावा इन द नेवी देर आर ओनली 3 commands, राइट। सो ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर इन विशाखापट्टनम, वेस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर इन मुंबई, राइट मुंबई, एंड इसके अलावा एक और है सदर्न नेवल कमांड, इट्स हेडक्वार्टर इज इन कोची। ऑलराइट, सो देर आर ओनली 3 naval commands ऑफ द इंडियन नेवी, ईस्टर्न वेस्टर्न एंड सदर्न। ईस्टर्न हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम, वेस्टर्न मुंबई, एंड सदर्न इट इज कोची। एंड जो विशाखापट्टनम है इट इज ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। ऑलराइट, इट इज ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड वॉट अबाउट लेजिस्लेटिव कैपिटल, इट इज अमरावती। एंड वॉट अबाउट जुडिशियल कैपिटल, इट इज कुरनूल। ऑलराइट, रिसेंटली 3 capital के बारे में अनाउंसमेंट की गई थी ऑफ द आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव, अमरावती लेजिस्लेटिव, एंड जुडिशियल कैपिटल इट इज कुरनूल। राइट, एंड विशाखापट्टनम में गाइज लास्ट ईयर जो इंडिया का 18th रेलवे जोन है उसका भी हेडक्वार्टर अनाउंस किया गया था। राइट, 18th रेलवे जोन ऑफ इंडिया, जिस रेलवे जोन का नाम है साउथ कोस्ट रेलवे। राइट, आई होप आपको ये पता होगा साउथ कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर भी विशाखापट्टनम में है। राइट, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ। सो द प्रॉपर एम, द मेन एम बिहाइंड दिस मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ इज टू कैप्चर ग्लिम्सेस ऑफ मिसाइल हिस्ट्री ऑफ INS Kalinga फ्रॉम इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 1981 टिल डेट। राइट, एंड इट विल बी डेडिकेटेड टू ऑल द ऑफिसर्स, सेलर्स एंड सपोर्ट स्टाफ ऑफ INS Kalinga, एंड इट विल कमेमोरेट द अवार्ड ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिट साइटेशन टू INS Kalinga फॉर द ईयर 2018-19। एंड It has been set up with a replica of missiles and ground support equipment that showcase the evolution of missiles and handled by the unit. जो evolution of missiles है उसको showcase करने के लिए, उसको represent करने के लिए एक replica of missile set up किया गया है। Okay?
एंड इसके अलावा द मेन अट्रैक्शन एट दिस पार्क विल बी P70 Amethyst विच इज एन एंटी शिप मिसाइल कैरिड बाय द ओल्ड चक्र. इट वॉज कैरिड बाय द ओल्ड चक्र विच इज ऑल्सो नोन एज चार्ली वन सबमरीन विच वॉज इन सर्विस विद इंडियन नेवी ड्यूरिंग 1988 to 1991. राइट, और यही जो है हमारे इस पार्क का मेन अट्रैक्शन होगा P70 Amethyst. एंड अग्निप्रस्थ विल प्रोवाइड अ वन स्टॉप अरीना फॉर मोटिवेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ क्यूरियस माइंड्स रिगार्डिंग द मिसाइल्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रन टू नेवल पर्सनल एंड देयर फैमिलीज. ओके, सो बेसिकली ये एक वन स्टॉप अरीना होगा ऐसे क्यूरियस माइंड्स के लिए जो कि मिसाइल्स के बारे में, चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं. फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रन टू द नेवल पर्सनल एंड देयर फैमिलीज. राइट, एंड द एग्जिबिट्स हैव बीन क्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैप. ओके, जो हमारे जो इनके पास स्क्रैप इन्वेंट्री था उसकी मदद से एग्जिबिट को बनाया गया है. ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज अबाउट द अग्निप्रस्थ. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन वॉज वॉट विल बी द मेन अट्रैक्शन. सो देयरफॉर गाइस द करेक्ट आंसर विल बी वॉट, ऑप्शन सी P70 Amethyst. P70 Amethyst विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू जो कि इस प्लांट पे ही बेस्ड है. सो 2 MW सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट कमीशन एट द INS कलिंगा इज ट्यून विद द ऑब्जेक्टिव टू अचीव डैश ऑफ सोलर पावर बाय 2022 एज पार्ट ऑफ द नेशनल सोलर मिशन. सो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 100% ये दैट इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है टू प्रोड्यूस 175 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय द ईयर 2022. एंड आउट ऑफ दिस 175 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 100 GW जो है दैट इज सोलर एनर्जी. राइट, 100 GW सोलर एनर्जी, इसके अलावा 60 GW विंड एनर्जी. ओके, एंड अदर देन दिस 10 GW बायो पावर और वी कैन से बायो एनर्जी. एंड इसके अलावा जो बाकी 5 GW है दैट विल बी फॉर स्मॉल हाइड्रो पावर. राइट, स्मॉल हाइड्रो पावर. ओके, सो ये टोटल 175 GW रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द ईयर 2022. एंड आउट ऑफ दिस 175 GW 100 GW इज फ्रॉम द सोलर एनर्जी. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट गाइस, ऑप्शन ए 100 GW. राइट, एंड नाउ ये जो हमारा नेशनल सोलर मिशन है ये इनिशिएटिव है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट सोलर पावर. एंड ये जो मिशन है इज वन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज दैट वॉज इनॉग्रेटेड, दैट वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर 2008. और इसके अंदर बहुत सारे नेशनल मिशन हैं और जिसमें से एक नेशनल मिशन है नेशनल सोलर मिशन. इसके अलावा एक नेशनल वाटर मिशन है एंड देर आर टोटल 8 नेशनल मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. राइट, एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड, वॉट नेशनल सोलर मिशन वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 11th January 2010 विद द टारगेट ऑफ 20 GW बाय द ईयर 2022. बट 2015 में इस टारगेट को इंक्रीज करके कितना कर दिया गया था, 100 GW. राइट, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल सोलर मिशन इज टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी बाय क्रिएटिंग द पॉलिसी कंडीशंस फॉर इट्स डिफ्यूजन अक्रॉस द कंट्री एज क्विकली एज पॉसिबल. बेसिकली नेशनल सोलर मिशन का ऑब्जेक्टिव यह है कि इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है सोलर एनर्जी में और उसकी डिपेंडेंसी बढ़ानी है ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी और साथ ही साथ जो फॉसिल फ्यूल्स है उनका जो यूज है उसको कम करना है ताकि उनका सस्टेनेबल यूज किया जा सके. राइट, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ए 100 GW. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लॉन्च्ड द फैसिलिटी फॉर इंस्टेंट अलॉटमेंट ऑफ पैन. टू अवेल दिस फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर पैन एप्लीकेशन. राइट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली अनाउंस किया है इंस्टेंट अलॉटमेंट ऑफ पैन, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है या क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है. ओके, सो बेसिकली गाइज इसके लिए 2 चीजें रिक्वायर है, एक तो हमारा आधार कार्ड होना चाहिए. सो दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर दोज पैन एप्लीकेंट्स हु पोजेस अ वैलिड आधार नंबर एंड हैव अ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद द आधार कार्ड. ओके, एक वैलिड आधार नंबर होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए उस आधार के साथ. ओके, एंड दिस फैसिलिटी इज थ्रू आधार बेस्ड EKYC एंड दिस अलॉटमेंट प्रोसेस इज पेपरलेस एंड एन ई पैन इज इश्यूड टू द एप्लीकेंट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड एज पर द ट्वीट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये जो पैन कार्ड है ये विद इन 10 मिनट्स जो है वो यूजर के हाथ में आ जाएगा. ओके, 10 मिनट्स में उसको अप्रूवल मिल जाएगा, एक ई पैन जनरेट हो जाएगा उस यूजर का. ओके, सो देयरफॉर गाइस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, अ वैलिड आधार नंबर चाहिए एंड अ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार. सो देयरफॉर
ऑप्शन ए ओनली वन एंड टू विल बी द करेक्ट आंसर. ओके ऑप्शन ए ओनली वन एंड टू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर. श्री संतोष कुमार गंगवार हु इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिपेंडेंट चार्ज इनॉग्रेटेड द ट्विटर हैंडल एट लेबर डीजी फॉर लेबर ब्यूरो. अमंग द गिवन स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ट्विटर हैंडल. ऑलराइट सो स्टेटमेंट नंबर वन इज इट विल सप्लाई लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर. स्टेटमेंट टू इट विल बी एन अपडेटेड सोर्स ऑफ स्नैपशॉट ऑन इंडियन लेबर मार्केट इंडिकेटर्स. स्टेटमेंट थ्री इट विल हेल्प गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. एंड स्टेटमेंट नंबर फोर इज इट विल हेल्प लेबर ब्यूरो इन कंडक्टिंग लेबर फोर्स सर्वेज एंड एंटरप्राइज सर्वेज. ओके सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एम ऑफ दिस ट्विटर हैंडल. सो गाइज द बेसिक एम ऑफ दिस ट्विटर हैंडल इज टू सप्लाई अपडेटेड लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर. लेबर वेलफेयर से रिलेटेड अपडेटेड लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कराना इसका बेसिक एम है. एंड दिस हैंडल विल बी अ रेगुलर एंड अपडेटेड सोर्स ऑफ स्नैपशॉट ऑन इंडियन लेबर मार्केट इंडिकेटर. जो भी इंडियन लेबर मार्केट इंडिकेटर्स है उनका ये एक रेगुलर और एक अपडेटेड सोर्स होगा. ओके एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द लेबर ब्यूरो. ओके सो लेबर ब्यूरो जो है एक अटैच ऑफिस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और ये 1946 में एस्टैब्लिश किया गया था. एंड इसके दो ऑफिस हैं, एक है चंडीगढ़ में एंड एक है शिमला में. एंड व्हाट इट डज इट कलेक्ट्स एंड डिसेमिनेट्स इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस फेसेट्स ऑफ लेबर लाइक वेजेस अर्निंग्स प्रोडक्टिविटी एब्सेंटिज्म लेबर टर्नओवर एंड एटसेट्रा. इट इज एंगेज्ड इन लेबर फोर्स सर्वेज एंड एंटरप्राइज सर्वेज व्हिच प्राइमरली प्रोवाइड्स एस्टिमेट्स ऑफ इंडिकेटर रिलेटेड टू लेबर फोर्स. और ये जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है बाय द लेबर ब्यूरो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर एडवाइजिंग गवर्नमेंट फॉर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन द कंट्री. ऑलराइट एंड रिसेंटली अगर आपने कहीं पढ़ा होगा 100% दैट मिस्टर डीपीएस नेगी ऑलराइट डीपीएस नेगी हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द लेबर ब्यूरो. ऑलराइट डीपीएस नेगी हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन द मंथ ऑफ मे. ओके सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑब्जेक्टिव. So statement one is it will supply latest statistics related to labor welfare. Yes, this is absolutely correct. It will be an updated source of snapshots on Indian labor market indicators. Yes, this is also correct. And it will help government in formulation and implementation of employment policies and procedures. Yes, guys, this is absolutely correct. And why it is correct? Let me tell you. Because ये जो latest statistics supply होंगे या जो भी Indian labor market indicators के जो भी snapshot update किए जाएंगे तो उसका मोटिव क्या होगा. उसका मोटिव केवल एक यही होगा कि जो भी इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं उसको फॉर्मुलेट करने में उसमें हेल्प मिलेगी. सो देयरफॉर स्टेटमेंट थ्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके एंड स्टेटमेंट फोर इज इट विल हेल्प लेबर ब्यूरो इन कंडक्टिंग लेबर फोर्स सर्वेज एंड एंटरप्राइज सर्वेज. नो दिस इज इनकरेक्ट. सो देयरफॉर गाइस द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट ऑप्शन सी ओनली वन टू एंड थ्री. ओके ऑप्शन सी ओनली वन टू एंड थ्री. Now question number 5 and the last question for today. Mukhyamantri Swarozgar Yojana has been announced by which state government to provide loans to migrant workers. Aapne sabne suna hoga that because of COVID-19 migrant workers are moving from their workplace to their home state. So aise migrant workers ko loan provide karane ke liye Uttarakhand ki government ne right option B Uttarakhand ki government ne launch kiya hai मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना. राइट मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हैज बीन अनाउंस्ड बाय उत्तराखंड टू प्रोवाइड लोन्स टू माइग्रेंट वर्कर्स. राइट एंड अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट विल प्रोवाइड लोन्स वर्थ ₹25 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड ₹10 लाख इन द सर्विस सेक्टर. ₹25 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिए जाएंगे और ₹10 लाख सर्विस सेक्टर में. एंड द माइग्रेंट वर्कर्स हु आर रिटर्निंग टू द स्टेट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द लोन्स. और ये लोन कौन प्रोवाइड कराएगा? नेशनलाइज्ड बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड आल्सो द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स विल आल्सो प्रोवाइड दीज लोन्स टू द माइग्रेंट वर्कर्स. एंड रिमेंबर दो तरीके के लोन दिए जाएंगे. वन इज ₹25 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अनदर इज ₹10 लाख इन द सर्विस सेक्टर. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट ऑप्शन बी उत्तराखंड. उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर इज त्रिवेंद्र सिंह रावत एंड हिज पार्टी इज भारतीय जनता पार्टी. एंड उत्तराखंड यू विल फाइंड राजाजी टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व विच इज ऑल्सो नेशनल पार्क एंड राजाजी इज ऑल्सो नेशनल पार्क. वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज ऑल्सो देयर. एंड नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. रिसेंटली उत्तराखंड ने अपना
समर कैपिटल अनाउंस किया था इंदर चमोली डिस्ट्रिक्ट, राइट। रिसेंटली उत्तराखंड हैज अनाउंस्ड इट्स न्यू समर कैपिटल इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट, सो राइट द नेम ऑफ दैट समर कैपिटल इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सब चमोली डिस्ट्रिक्ट में है वो, उस जगह का नाम बताइए इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस सेशन, आई होप यू लाइक इट। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।